वो आपको हम आज दिखाएंगे कि केक कैसे बनाते हैं। तो देखिए, हमें केक बनाने के लिए लेना क्या है, ये वनीला फ्लेवर का प्रीमिक्स है, ये वनीला फ्लेवर का। और ये हमारे पास एक मेज़रमेंट कप है, जो कि अगर हमको हाफ केजी का केक बनाना है तो हमको ये एक लेना है। हमारे पास 250 ml का भी है दूसरा, बट हमको अभी हम हाफ केजी का केक बना रहे हैं, तो ये हाफ केजी हम भर के इसमें ले लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे ये सारा एक बाउल आता है स्पेशल, जिस बाउल में हमको ये बैटर प्रीमिक्स जो है डालना है। उसके बाद जब हम डालेंगे तो ये आप देख रहे हो उसको करना क्या है आपको, कि इसको राउंड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, नहीं तो उसमें लम्स आ जाएंगे। तो एक देखिए कितना अच्छा फेंटा जा रहा है, तो हमने यहाँ पर अभी एक ही डायरेक्शन में इसको फेंट रहे हैं, तो आप देख सकते हैं उसको कितना सुंदर सा फीलिंग जो है वो आ रहा है। तो अभी आप देख सकते हो उसमें छाट थोड़े से पानी की और आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी और ऐड कर लिया है, तो अभी फेंटना स्टार्ट कर दिया है इसको। तो आप देखते जाइए कि इसको हम कैसे फेंट रहे हैं। अभी फेंटने के बाद का प्रोसेस हम आके बताते हैं, फेंटने का कंप्लीट होने के बाद। बट एक चीज़ याद रखना है यहाँ पर, कि हमको सिर्फ और सिर्फ ही एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, हमको रिवर्स डायरेक्शन में नहीं करना। क्लॉकवाइज करे तो क्लॉकवाइज ही करना है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज करे तो एंटी क्लॉकवाइज ही करना है। ये आप देख सकते हो हमारे पास ये केक टिंग है, ये हाफ के जी केक के लिए सूटेबल है, या तो हम इसको मोल्ड भी बोलते हैं। पेपर ले लिया है, अभी बटर पेपर को हम क्या करेंगे यहाँ पर पेन से मार्किंग करके और काट लेंगे उसी साइज का। ये अभी जो है मार्किंग हो चुकी है, ये हम बटर पेपर का जो बिल्कुल जो राउंड शेप में है, ये हमारे बर्तन की साइज का हम बिल्कुल काट ले रहे हैं। मैं बताती हूँ थोड़ा सा यहाँ पर जो है हमको रिफाइंड लगा लेना है, रिफाइंड या फिर कोई भी ऑलिव ऑयल वगैरह जो भी आपको यूज़ करना है। तो उससे होगा क्या कि आपका ये जो केक जो है चिपकेगा नहीं। ये जो बटर पेपर है आप देख रहे हो, ये हम लगा रहे हैं अच्छी तरीके से इसमें, तो बटर पेपर हमने बिल्कुल चिपका दिया है बिल्कुल नीचे तक, और हल्का सा रिफाइंड जो है आप देख सकते हो चारों तरफ हमने लगा लिया है उसके। तो ये अभी आप देख रहे हो ये हमारा सारा जो भी है इसमें बैटर जो हमारा रेडी हुआ है, ये हमने सारा का सारा उस बर्तन में निकाल लिया है, तो आप देख पा रहे होंगे इसको। ये हमारे पास स्पेशल जैसे कहते हैं केक बनाने के लिए स्पेशल जो यूज़ होता है स्पैकुला, ये स्पैकुला है हमारा। इसको आपको थोड़ा सा हल्के से टैप कर लेना है, जिससे लम्स नहीं रहेंगे उसमें, और हमारा केक जो है अच्छे से बेक होगा। कोई भी एक ऐसा बर्तन लेना है, हमारे पास तो फिलहाल अभी कढ़ाई है, और कढ़ाई में हमने ये जो भी है स्टैंड रख लिया है। आप जो भी चाहे एज पर योर कन्वीनियंस रख सकते हैं, हमारा पर्पस सिर्फ ये है जैसे ही हल्का गर्म हो जाएगा, बिल्कुल ये धीमी आँच करनी है, और ये जो है आप धीमी आँच करके आप इसको जो है वो धीमी फ्लेम पे रख सकते हैं। तो अभी ये देखिए आप जो है ये प्लेस हो गया है, इसमें प्लेस हो गया है, प्लेस आप देखेंगे ये हल्का सा गैप रहेगा केक में और बर्तन के बीच में। उसके पीछे की वजह ये है कि केक हमारा जलेगा नहीं, या फिर अगर आपके पास ओवन वगैरह है तो आप ओवन में ही पका सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे ये हमने ढक दिया है, हमको बिल्कुल देखिए धीमी आँच पर लगभग ये हमको 20 से 25 मिनट्स पकाना है, और आगे का प्रोसेस देखेंगे पकने के बाद। राइट, विप टॉपिंग, इट्स अ क्रीम। सो आप जो ये क्रीम है ये किसी भी केक शॉप से जो ये सामान बेचते हैं आपको यहाँ से ही आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये देखो ओपन किए जा रही है, अभी इसका क्वांटिटी आपको बताएंगे। तो जैसे ये देखो क्रीम है, और ये कितना क्रीम लेना है, ये आधा किलो केक के लिए हमको आधा किलो क्रीम लेना है, मतलब जस्ट हाफ अप्रोक्सीमेटली। ये 1 लीटर की क्रीम है, तो अपने को हाफ ले लेना है। तो ये हम कर रहे हैं स्मैश, अभी आपको देख रही है ये स्मैशर है, इलेक्ट्रिक स्मैशर, तो हम इससे स्मैश कर रहे हैं। तो आपको ये देखते रहिए कैसे स्मैश हो रहा है। ये तो स्मैशर चाहिए हमको, तभी ये जो क्रीम है वो अच्छे से स्मैश हो पाएगी। स्मैश नहीं होगा तो स्मैशर के बिना ये हमको अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा।
अभी जो हमारा जो क्रीम है आपने देखा, ये क्रीम हमारा बन चुका है उसको मैश करने के बाद। अभी ये हमको पता कैसे लगा क्रीम हमारा रेडी हो गया है, ये हमको जो बर्तन है उल्टा करना है, और उल्टा करने पर भी वो क्रीम जो है नहीं गिरना चाहिए। अगर क्रीम बिल्कुल भी डिस्प्लेस हो रहा है तो इसमें हमारा आपको और फेंटने की जरूरत है। तो अभी ये हमारा क्रीम रेडी हो चुका है, आपको हम आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज के अंदर रख देंगे। तो ये आधे घंटे फ्रिज के अंदर चला गया। एप्पल एसेंस डालेंगे इसमें। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारी कटोरी है, इसमें हमने शक्कर डाला है, पानी डाला है, इसमें हम पाइनएप्पल का एसेंस डालेंगे। कौन सा शक्कर? पाइनएप्पल एसेंस, और बहुत ज्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है हमको, तो ये पाइनएप्पल फ्लेवर आएगा इससे। तो ये हमने डाला है आधे किलो के केक के लिए, लगभग एक ढक्कन से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा हम ज्यादा डेढ़ ढक्कन मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए डेढ़ ढक्कन डालना, उसको बढ़िया से बंद कर देना है। एसेंस ही है, बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है, नहीं तो वो हमारा टेस्ट जो है बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो उसको क्या करना है, एसेंस को मिक्स कर लेना है। अभी इसको हमको 5 मिनट के लिए रख देना है। वर्जन्स हैं, बहुत सारे वर्जन्स हैं। ये कौन सा वाला है? ये चॉकलेट है। ये कौन सा है? ये लेमन है, लेमन येलो। तो आप जो भी है एसेंस आती है बहुत सारे आप ले सकते हो। क्रश है, आप देख सकते हैं इसको। आधे घंटे तक हमने इसको पकाया है, और आप भी देख सकते हो हमने ये चाकू जो है अंदर गड़ा के देख लिया है। इस चाकू पे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब ये अभी हमारा पक चुका है। वाओ, इट्स सो स्पॉन्जी, आप देख सकते हो उसको कितना स्पॉन्जी है ये। ठीक है, उसके बाद आगे का प्रोसेस। अभी जो आप देख रहे हो ये बेक हो चुका है केक, हमने पतीले में से बाहर निकाल लिया है, और ये देखो वाओ क्या बिल्कुल स्पेशल जो है आप देख सकते हो। और ये बटर पेपर लगाना निकालना बाकी है, इसको बटर पेपर जैसे निकलेगा फिर देखेंगे कैसा हो रहा है इसका। बटर पेपर निकालेंगे बाद में आराम से। अभी हमने ये देखो बटर पेपर निकाल दिया है, केक काफी स्पॉन्जी है। अच्छे से निकाल देना बटर पेपर। अभी हमारा टर्निंग टेबल है, टर्निंग टेबल पर रख देते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्पैचुला। पैलेट नाइफ। इसमें मार्किंग कर लेंगे। हम चार लेयर में डिवाइड कट करेंगे। अब हम इसको 4 लेयर में डिवाइड करने वाले हैं, तो अभी हम इसे मार्क कर रहे हैं। आप देख लो, ये आपके पास कोई और अल्टरनेट सॉल्यूशन हो तो आप उससे भी काट सकते हो। पूरा नहीं काटेंगे, अभी सिर्फ मार्क कर रहे हैं। इसको मैं अप्रोक्सीमेट 4 लेयर करने वाले हैं। तीन करेंगे लेयर हम। मार्किंग हो चुकी है, और हम ये आप देख रहे हो बिल्कुल धागे से इसको बिल्कुल काट देंगे। ये देखो
धागे से कट गया है, तो अभी एक लेयर जो है वो अलग हो गई है। देखो अलग हो गई है, ऊपर वाला जो हमारा हिस्सा था ये ज़्यादा मोटा रह गया है, तो अभी हम इसको जो है एक पार्ट में और काट रहे हैं। पाइनएप्पल क्रश लिया हुआ है, ये भी मार्केट में मिलता है, तो आपको क्या करना है, पानी के साथ थोड़ा सा इसको घोल लेना है, और पाइनएप्पल केक के लिए ये देखिए आप बिल्कुल जो भी है इसको अच्छे से घोल लेना है। उसका तो आपको बताते क्या करना है, गिलास में रख के अब ये देखो कौन, अभी हम इसका डिज़ाइन बनाएंगे राइट। जो सबसे लास्ट लेयर था वो सबसे पहले रखो, सबसे लास्ट का लेयर ये वाला है उसको पहले रखो। अच्छा नीचे का लेयर नीचे आएगा मतलब, नहीं नीचे का लेयर ऊपर जाएगा। क्या चाहिए क्या चाहिए बोल, कुछ तो भी है रखने के लिए, चम्मच रखने के लिए। ठीक है ये वाला लेयर है सबसे लास्ट वाला, ये वाला उल्टा रखना है, ये जो टेढ़ा लेयर है वो नीचे आएगा। अच्छा वो नीचे आएगा, तो सबसे ऊपर वाला लेयर जो है वो नीचे आएगा। अब देख लो सब लोग व्हिपिंग क्रीम लगा दिया हमने, ये अपना पेपर कौन सा होता है इसको कौन सा पेपर बोलते हैं, कार्डबोर्ड पेपर है ये, और इसको हमने इसको अच्छे से फैला दिया है। इसको हमने ऐसे रख दिया अच्छे से, आप देख रहे हो उसको, इसको बढ़िया से पेपर रख दिया। शुगर सिरप हमको डालना है, जो हमने आपको याद होगा एसेंस डाला था पाइनएप्पल एसेंस, तो पाइनएप्पल एसेंस का जो फ्लेवर है जो शुगर के साथ हमने सॉल्युबल बनाया था, तो उसको हम ये लोग जो है इसको अच्छे से सोक करने देंगे केक में, जो हमारा बेस तैयार हुआ है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। और ये बेक जो है वो ऊपर रखना है, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे, और इसी पोर्शन में हम बनाएंगे। ये क्रीम जो है उसको स्प्रेड कर देंगे, अब ये जो है इससे हम सीधा करेंगे इसको। पाइनएप्पल क्रश डालना है उसके ऊपर, तो पाइनएप्पल क्रश को हमने पानी में मिलाया था, इसको भी अच्छे से स्प्रेड कर लेना। फ्लेवर के लिए, ये फ्लेवर के लिए है जो पाइनएप्पल फ्लेवर है, जो पाइनएप्पल केक बना रहे हैं पाइनएप्पल फ्लेवर के लिए है। फिर थोड़ा हम एसेंस डालेंगे इसमें, नहीं ये पाइनएप्पल क्रस्ट है सॉरी, अभी सेकंड लेयर हमने जो है इसके ऊपर रख दिए। सेम प्रोसीजर एज डन इन फर्स्ट, सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे, एसेंस डालेंगे इसमें और उसके बाद क्रीम लगाएंगे, क्रीम के ऊपर से पाइनएप्पल क्रस्ट जो हमने लिक्विड बनाया है उसका। क्रीम का हम रिफिल कर रहे हैं, बस जाएगा। क्रीम को ओपन में नहीं रखना है क्योंकि मेल्ट हो जाएगी क्रीम, क्रीम को हमको बार बार फ्रिज में रखना है। लेयर इस पर स्प्रेड कर दिया है, और अगेन हमने इसको जो फर्स्ट प्रोसेस किया था सेम वही करेंगे हम लोग।
ये बेस फर्स्ट रखेंगे क्योंकि ये प्लेन है। नमो है तेरा हारे। थोड़ा सा देखो हाँ, उसमें एसेंस डालो मुझे है ना, एसेंस डालना है। खत्म हो गया ना थोड़ा सा चीज, कम एसेंस डालते हैं ना। कौन सा वाला है? खत्म ही हो गया था ना वो। कौन सा एसेंस डालना है? उधर लिखा है पाइनएप्पल केक क्रीम दो ना। ये है पाइनएप्पल नहीं, वो मिक्स मिक्स हो गए। क्रीम दो, क्रीम क्रीम दो, क्रीम दो, क्रीम क्रीम। बर्फ बना के लेकर गए ना हम लोगों ने तो टिक जाएगा, पर मेरे पास फ्रिज ही नहीं है ना मेरे पास, इसलिए मैंने नहीं लाया। अभी फाइनल लेयर हम रख रहे हैं उसके ऊपर रखेंगे, ये ऊपर रखेंगे ताकि हमारा डेकोरेशन अच्छा आएगा। अगेन हम टॉप पे ऊपर से डाल रहे हैं। तो ये जो है एकदम सोक कर लेगा बढ़िया से, तो जो आपको एसेंस मिलेगी एकदम आह। काश वीडियो में आपको एसेंस चुमाने का भी कोई फॉर्मूला होता थोड़ा सा, तो आपको पता चल रहा है कि कितना एसेंस अच्छा आ रहा है इसका। तो हमने ये क्रीम फिर से इस पर स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया है क्रीम। देख सकते हो हमारा कितना सुंदर जो है तैयार हो चुका है। अभी हम इसको जो है फ्रिज में 10 मिनट के लिए रखेंगे। अभी ये देखो फ्रिज में जा रहा है, गया। डेकोरेट द केक, यू कैन सी वी आर डेकोरेटिंग द केक। यस वेल वी आर केयरिंग केक, यू नो। I can so eat for myself. और बनाओ एक, नहीं ना no, that's it. Yes. Now you can put the design inside. दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जीरो वाली छोड़ छोड़ मार लो। दुनिया में आए हो तो लव उल्टा यू बनाओ। यस उल्टा यू बनाने का और ऐसे डिजाइन करने का। चलिए वाओ, we are decorating the cake guys, you can see churn karte rehna hai guys ko rokne ka nahi। yes churn karte rehne ka cake ko design banane ka, sunder design banane ka।
बिल्कुल रुकने का नहीं, ये डेकोरेटिंग हो जाएगा, उसके बाद छोटा छोटा रखने का, इधर पूरा भरने का नहीं, इससे रखने का छोटा छोटा, हाँ इसके ऊपर मिक्स करने का, हाँ इधर भी भरने का थोड़ा गैप में, सपोर्ट देने का इसको, यस बस। अब आप देख सकते हैं ये केक जो है कितना अच्छे से डेकोरेट हुआ है, चेरी लीजिए, फिर हम इसका आंख एंड मुंह बनाता राइट, येलो कलर से ऐसे बनाओ, ये थोड़ा सीधा करो ना। आप देख सकते हैं अभी जो हमने केक है वो डेकोरेट कर दिए हैं, इसका क्राउन जो है वो टेढ़ा हो रहे हैं, तो इसको सीधे कर रहे हैं हम, क्राउन जो है गर्ल का वो सीधे कर रहे हैं, तो क्राउन जो है बन गए हैं, और अभी ये जो है केक जो है आप देख सकते हैं कितने सुंदर केक बन रहे हैं। नाउ वी आर डेकोरेटिंग विद सम यू नो राइट, फिर रखने का इधर रखने का, नाउ यू कैन सी वी आर रख रहे हैं, थोड़े फाइन काम होते हैं, वाइट वाइट पे रखो, हाँ सर येलो मत रखो, दीज आर द सुपर बॉल्स अवेलेबल इन द मार्केट, यू कैन टेक इट फॉर डेकोरेशन ऑफ द केक एंड ऑल द थिंग्स यू नो, नाउ यू कैन सी सकते सारा डेकोरेशन होते, क्राउन सीधे हो रहे हैं अभी उसके, क्राउन छेड़े हुए हैं, क्राउन पे ज्यादा डेकोरेशन करते ज्यादा अच्छे बॉल बनते, इनफ Now the cake is almost ready, you can see, just you need to be put it in the refrigerator, so the refrigerator can, you can see, it's fine, dry ho jayenge to sahi ho jayenge. Ye abhi refrigerator ke andar dry hain, ye aap dekh sakte hain kitne sundar cake aa rahe hain. सुंदर केक खा रहे हैं, और ये फ्रिज भैया कितने सुंदर केक है आप देख सकते हैं, नाम नाम लिखा, नाम किसे केचप से लिखा, वो डिजाइन हैप्पी वाला स्माइली वाला, सिर्फ वो केचप का है, बाकी सब स्ट्रॉबेरी का, नाम